नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। राहुल ने पीएम मोदी को ललकारते हुए कहा कि मुझे लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो मैं अपनी बात रखूंगा और ऐसे रखूंगा कि मोदी जी सदन में बैठ नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को बेकार फैसला बताया था और राहुल गांधी ने दावा किया था कि कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर पेटीएम की बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो वह सभी को बताना चाहेंगे कि पेटीएम का अर्थ है पे टू मोदी। तो नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रुख काफी आक्रामक है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले। देखते रहिए डीबी लाइव।